के रूप में और एक तरीके से नॉलेज के रूप में इस सेशन को आज आप लोगों के लिए प्लान किया है। तो मैं किशन लाल जी को आमंत्रित करूंगा जो बेसिकली ऐसा ही है और आज के ये डिजास्टर मैनेजमेंट से काफी सालों के काम कर रहे हैं। मेरा नाम इंस्पेक्टर किशन लाल, मैं बेसिकली बीएसएफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरे डिपार्टमेंट क्या करता है, एक तरीके से अपने काम के लिए उनको आमंत्रित करता है, उनका सिलेक्शन करता है, तो डिपार्टमेंट कुछ साल के लिए चेंज हो जाता है। जैसे मेरा बेसिक कैडर है बीएसएफ, लेकिन अभी मैं 7 साल के लिए डेपुटेशन में हूँ एनडीआरएफ में। अभी एनडीआरएफ की फुल फॉर्म कोई बताएगा? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। किसी भी तरह की आपदा, भूकंप हो गया, उसके बाद में आपका फ्लड हो गया, उसके बाद में लैंडस्लाइड हो गई, और क्या हो सकता है, थंडरिंग हो गई। आपदा किसी भी तरह की हो सकती है। आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैनमेड। नेचुरल आपदा मतलब प्रकृति की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी आपदा आती है, फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया, इस तरह की आपदा होती है, वो होती है नेचुरल, जो कि प्राकृतिक होती है। कुछ होती है मैनमेड। मैनमेड का मतलब जो किसी इंसान की गलती से आपदा आती है। सपोज करो एक दो बड़ी बस जा रही हैं, उसमें लगभग एक बस में 30-40 सवारी है, एक में 40-50 सवारी है, दोनों बस आपस में टकरा जाती है और एक क्या हो जाता है, भयंकर एक्सीडेंट, लगभग उसमें 60-70 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, वो भी एक क्या है, आपदा है। लेकिन वो किस तरह की आपदा है, मैनमेड, किसी इंसान की गलती से जो आपदा आती है उसे मैनमेड डिजास्टर कहते हैं। तो ये लेक्चर वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम शॉर्ट जो आपके काम की चीजें रहेंगी वही बताएंगे। वीडियो वाले जरूर 2000 वीडियो बना रहे होंगे कि ये देखो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसको हेल्प करने वाला वहां पे कोई नहीं होता। कारण क्या है, अवेयरनेस की कमी, जानकारी की कमी। कुछ लोग हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। तो आज वही आपको बताया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या आपके घर में कोई हादसा हो गया, तो आप लोगों को कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं एज ए बाईस्टैंडर। आप खड़े हैं वहां पे, आप किस तरीके से उसकी जान बचाने में कैसे सहायता कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे आज। ये एनडीआरएफ की लोकेशन है। डिजास्टर के बारे में बात करें, डिजास्टर क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिपेयरनेस क्या होती है और मिटिगेशन क्या होता है। ये सेम से वर्ड है लेकिन इनमें डिफरेंस है। सपोज करो डिजास्टर क्या होगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी ये जो पंखा है ये बढ़िया से बंधा हुआ है, लेकिन किसी कारण से मैंने इसको क्या किया, रस्सी से बांध के लटका दिया। इसको मेरे पास इसको अच्छे से प्लग करने की सामान नहीं था, मैंने क्या किया, इसको रस्सी से बांध दिया पंखे को और पंखे को चला दिया। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इस पंखे के नीचे, ये किससे बंधा हुआ है, रस्सी से। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पंखा चल रहा है। अब ये पंखा कभी भी मेरे सर के ऊपर गिर सकता है, मतलब ये मेरे लिए हो गया डिजास्टर। डिजास्टर नहीं, ये मेरे लिए क्या है, आपदा। ये हो गया आपदा। लेकिन अभी बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की। वल्नरेबिलिटी की मतलब कितना वल्नरेबल है कोई। मैं इसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूं तो मेरी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है कि मेरे को इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर मैं इससे 20 फीट की दूरी कर लूं तो मेरी वल्नरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। यहाँ पे गिरेगा लेकिन मेरे को इतना नुकसान नहीं होगा, हो सकता है इसका एक दो टुकड़ा मेरे सर पे लगे या मेरे किसी बॉडी के पार्ट पे लगे, लेकिन मैं इसके लिए क्या हो जाऊंगा, वल्नरेबल, कम हो जाऊंगा। उसके बाद है प्रिवेंशन। मैंने क्या किया, इसको बढ़िया से बांध के इसमें एक हुक लगा दिया और बांध के रख दिया ताकि ये मेरे सर के ऊपर ना गिरे। ये होता है प्रिवेंशन। तो किसी भी डिजास्टर के लिए, आप कोई डिजास्टर आता है उसको अपने हिसाब से तैयार करने को ही डिजास्टर प्रिवेंशन मिटिगेशन कहा जाता है। इससे आगे चलते हैं, अर्थक्वेक जानते हो क्या होता है, अर्थक्वेक, भूकंप। अरे भूकंप की वजह से कोई नुकसान हुआ, बिल्डिंग की वजह से लोगों में नुकसान होती है, बिल्डिंग की वजह से लोगों की जान जाती है। तो ये कभी नहीं समझना है कि भूकंप के वजह से इतने लोगों की जान गई, आपका प्लेस गलत है। आप यहां पे बैठे हो, अर्थक्वेक आया, ये बिल्डिंग कोलैप्स होती है, गिरती है, तो आपकी जान जाने का खतरा है। लेकिन वहीं आप अगर ओपन फील्ड में खड़े हो
तो वहां पे अर्थक्वेक आता है तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। सपोज करो अभी एक अर्थक्वेक आता है, लोगों की जान कैसे जाते हैं मैं आपको वो प्रूफ करके दिखाता हूं। अगर सपोज करो अभी क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, आप लोग क्या करेंगे, जैसे बिल्डिंग पूरी हिलने लगी, आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप लोग बाहर भागने की कोशिश करेंगे, बाहर भागने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन वो ही तरीका गलत है। आप सपोज करो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहां से हो सकता है आप निकल जाओ, लेकिन सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं, भगदड़ मचेगी। अर्थक्वेक आया है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, 5 point something का मैग्नीट्यूड होता है तो जाके कोई बिल्डिंग गिरती है। अगर नॉर्मल अर्थक्वेक होता है तो उससे बिल्डिंग नहीं गिरेंगी, और जितनी बिल्डिंग बनती है वो बिल्कुल इंजीनियर उसको उस बिल्डिंग को प्रॉपर बनाते हैं ताकि वो हल्के फुल्के झटके सहन कर सके। नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है लोगों की, जैसे अर्थक्वेक आया बिल्डिंग से बाहर भागना। अब सपोज करो 2 मंजिला इमारत है और अर्थक्वेक आया, आप वहां से दौड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अर्थक्वेक कितने देर रहेगा ज्यादा से ज्यादा, 1 मिनट में तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, 20 से 30 सेकंड बहुत होता है। 30 सेकंड अगर अर्थक्वेक होता है तो भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। 20 से 30 सेकंड में क्या आप 2 मंजिला इमारत सीढ़ियों से उतर के पहुंच जाओगे ग्राउंड में? अरे पहुंच सकते हो, हनुमान जी तो हो नहीं, ऊपर से जंप मारा नीचे कूद गए जय श्री राम बोल के बच गए। तो कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि अर्थक्वेक से कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्डिंग नहीं गिरी, लेकिन जो आप भाग के नीचे आ रहे हो एक बंदा गिर गया, उसके ऊपर से बाकी पब्लिक निकले जा रही है, या आप जल्दबाजी में सीढ़ियां क्रॉस कर रहे हो, आपका पैर फिसल गया, सीढ़ियों पे गिर गए, सर फूट गया। तो आप बिल्डिंग की वजह से नहीं हो सकता है नुकसान हो, लेकिन अगर आप जो भगदड़ मचाएंगे उससे आप लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। अभी आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि बिल्डिंग से बाहर ही मत निकलना, तो क्या बिल्डिंग के नीचे दाब के मारने का इरादा है, यही सोच रहे हो ना? नहीं, अभी तरीका बताएंगे आपको कैसे बचना है। से क्या है, इसमें जॉइंट है, जॉइंट की वजह से क्या होगा, बिल्डिंग बिल्कुल डाउन नहीं आएगी, इस तरीके से गिरेगी, आपको दिख रहा है बी कॉलम वाला स्पेस, तो ये जो जगह बचेगी आपके लिए, ये आपके लिए वाइड स्पेस है, यहाँ पे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर यहाँ पे रहेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर अब इतने लोग बैठे हैं तो हर आदमी तो कोना पकड़ नहीं सकता, यही होगा ना, तो कोने पे तो 4 आदमी हो गए, बाकी पब्लिक क्या करेगी। अब आगे बताते हैं बाकी लोगों को क्या करना है। ज्यादातर कहाँ पे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में होते हैं, क्लास में होते हैं, ज्यादातर यही होता है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये टेबल है, आप इस टेबल के जस्ट नीचे बैठ जाएंगे। बैठने का तरीका, आपको अपने हेड को अपने दोनों हाथों से कवर करके रखना है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट है तो वो क्या है, हेड, सर कवर करना है, अपने सर को कवर करना है दोनों हाथों से, जैसे मैंने बताया। उसके बाद में होल्ड करना है, आपको ब्रेंच मिल गई, टेबल मिल गई, घर पे हो गया, बेड हो गया, सोफा हो गया, जहां पे भी जगह मिलती है आपको क्या करना है, अपने सर को आपको सबसे ज्यादा सेफ रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि छत आपके ऊपर गिरे ही, हो सकता है हल्का सा झटका लगा लेकिन छत नहीं गिरी, इसके जो ऊपर जो डेब्रिज है, छोटे छोटे डेब्रिज या कुछ पंखा लगा रखा है या कुछ और है, वो आपके सर पे गिरे तो सर पे चोट लगेगी, तो वो चोट गंभीर होगी, इसलिए आपको क्या करना है, आपके सर को क्या करके रखना है, कवर करके रखना है। ये देखिए स्कूल में क्या कर सकते हैं, जो आपका स्कूल बैग है उसको आप सर के ऊपर रख सकते हैं। अब बात करते हैं फायर सेफ्टी। कोई भी आग लगती है, आग लगने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, कितनी चीजें जरूरी होती है, क्या क्या, हाँ एक बताओ, आग लगने के लिए कौन से पानी की जरूरत पड़ती है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। देखिए आग लगने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, पहला होता है फ्यूल, बातचीत नहीं, पहला क्या होता है, फ्यूल। फ्यूल का मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्यूल का मतलब केवल तेल ही नहीं है, यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है ये भी फ्यूल है, लकड़ी की चेयर है ये भी फ्यूल है आग के लिए। उसके बाद में दूसरी चीज है ऑक्सीजन, जब तक आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आग नहीं लगेगी। तीसरी चीज है उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब उसको जलने के लिए कितना तापमान चाहिए। एक नॉर्मल आपने इसके नीचे चेयर के नीचे मोमबत्ती जला के रखी है,
तो क्या उससे आग लग जाएगी इस चेयर पे? नहीं लगेगी। एक इसका इग्निशन टेम्परेचर होगा, अगर आप उसको जब तक वो टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक आग नहीं लगेगी। तो आप इन तीन चीजों की वजह से आग लगती है, इन तीन चीजों में से किसी भी एक चीज को कम कर दोगे तो आग रुक जाएगी। आपने अगर ऑक्सीजन को उसको कम कर दिया, आपने ऐसे छोटी चीज है उसको ढक दिया तो आग रुक जाएगी, कंबल डाल दिया आग रुक जाएगी। या फ्यूल उसका है, फ्यूल का मतलब जैसे एक चेयर में आग लगी है, उसके बाद में बाकी चेयर को वहां से क्या कर दिया आप लोगों ने, हटा दिया, तो उस चेयर को नुकसान हुआ, बाकी आग नहीं बढ़ेगी। ठीक है। एक इग्निशन टेम्परेचर, अगर उसके टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, आग लगी है आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, हो सकता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये क्या चीज है आपके हॉल में भी रखा है, बहुत बढ़िया चीज है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं होता है, इसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए इसको चलाने का तरीका भी बताते हैं। ये चीजें होती है अवेयरनेस की कमी। अभी सपोज करो स्टाफ यहाँ पे है, स्टाफ को हो सकता है ये चीज चलानी आती हो, लेकिन जब आग लगी यहाँ पे इस बिल्डिंग में, उस टाइम पे स्टाफ नहीं था, आप यहाँ पे विक्टिम थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, स्टाफ कोई नहीं है, अब आपको ये चलाना नहीं आता है, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता, इसको लॉक करके रखा हुआ है, यहाँ पे क्या लगी है, एक पिन लगी है जिसमें रिंग लगा हुआ है। ठीक है। पहला काम क्या करना है आपको, पुल करना है इस पिन को, क्या करना है, बाहर की साइड में खींचना है। अभी डेमो शुरू मत कर देना, कभी स्टाफ इधर उधर और निकाल के उसके खोल खाल के कर दो, इसको एक बार आपने अनलॉक कर दिया और एक बार यूज कर दिया तो इसको खाली ही करना पड़ेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक ये खाली नहीं होगा, खाली होने के बाद में फिर इसको रिफिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद में दोबारा लॉक लगाना पड़ेगा, तो अपने डेमोस्ट्रेशन के चक्कर में इसको खाली मत कर देना। तो सबसे पहले काम क्या है, जो पिन है उसको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एम, जहां पे आप आग लगी हुई है इस पाइप से, उस जगह को आपको क्या करना है, एम करना है। ठीक। तीसरा क्या है, स्विच, स्विच का मतलब जो इसमें हैंडल लगा हुआ है, आगे आप देखेंगे पीपीटी में दिखेगा, ये जो हैंडल लगा हुआ है इसमें से, जैसे ये बीच वाला ब्लॉक है, इसको निकालने के बाद में इस हैंडल को क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है। प्रेस करने के बाद में क्या करना है, स्वीप करना है, मतलब जिस तरीके से झाड़ू निकालते हैं तो स्वीप करना है, जहां पे आग लगी हुई है उसके सामने आपको क्या करना है, इस तरीके से उसको पाइप को स्वीप करना है। पहला नियम क्या है, पहले क्या करना है, सबसे पहले पिन है उसको निकालना है, पिन निकालोगे तभी जाके ये जो हैंडल है वो अनलॉक होगा, जब तक आप पिन नहीं निकालोगे ये हैंडल अनलॉक नहीं होगा। आपने पिन को निकाल लिया, उसके बाद में एम लिया, जहां पे आग लगी है वहां पे पाइप को रखा, उसके बाद में आपने स्विच किया, मतलब जो हैंडल है उसको क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद में उसको स्वीप किया। ये पास वाला फॉर्मूला हमेशा याद करके रखना। बहुत सी जगह पे ऐसा हो सकता है, कई लोग सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ रही है यार इसकी, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि हो सकता है वहां पे कोई भी चलाना नहीं जाने, लेकिन आप आज यहाँ पे अटेंड हो तो आपको थोड़ा सा पता चल गया कि यार पहले पिन निकालनी है, फिर उसे हैंडल को दबाना है और जहां पे आग लगी है वहां पे उसको करना है, तो आग बुझ जाएगी। ठीक है। अब समझ में आया। अब बात करते हैं कि वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाई नहीं है, कोई भी मतलब आग बुझाने का यंत्र नहीं है। हमेशा जो आग होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो भी गैस होगी वो ऑक्सीजन से क्या होगी, हल्की होगी। क्या होगी, अरे ऑक्सीजन से हल्की होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे इस रूम में आग लगी है तो आग लगने से क्या होगा, इस रूम में पूरे में धुआं हो जाएगा। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि उस धुआं को इनहेल करने से, सांस के द्वारा अंदर जाने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वो धुआं इनहेल कर लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे को बाहर भी निकलना है। तो आपको क्या करना है, इस रूम से निकलने के लिए बिल्कुल लाइन पोजीशन में हो जाना है, लेट जाना है। लेटने से क्या होगा, जो नीचे जो एयर होगी, ऑक्सीजन होगी, उससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से सांस ले सकते हो। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, खड़े होके निकलेंगे, तो जो गैस जो आग लगने से निकल रही है वो आपकी बॉडी में जाएगी, जिससे हो सकता है आप अनकॉन्शियस हो सकते हो। अगर आप बाहर हो, किसी रूम में आग लगी है,
तो आपको क्या करना है, उस रूम को बिल्कुल पैक कर देना है। किस लिए पैक करना है? पैक करने से क्या होगा, इस रूम में आग लगी और आप, मैं बता रहा हूं, इस रूम को पैक कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अरे पहले बताया था इसकी ऑक्सीजन कम करना है ना, हमें क्या करना है, गेट बंद कर देंगे तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो आग है वो ज्यादा नहीं भड़केगी। अगर आप इसके सारे गेट खोल देंगे तो उसको जितनी एयर मिलेगी, जितनी हवा मिलेगी, वो आग उतनी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, दूसरे रूम में भी इसकी हवा जा सकती है, उसकी गैस जा सकती है। अभी बात करते हैं, अगर किसी इंसान को आग लग जाए किसी भी कारण से क्या लग जाए, आग लग जाए, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आग लगने के बाद क्या होगा, भागेंगे, यही होगा ना, दौड़ेगा, भागेगा, बचाओ बचाओ, इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, भाई तू बचा, ये करता है ना। उससे क्या होगा, दौड़ने से क्या होगा, उसको एयर लगेगी और जो ऑक्सीजन उसको और ज्यादा मिलेगी। तो जो नॉर्मल रुकने से जितनी ऑक्सीजन मिलती, मतलब अगर रुका रहता तो उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती, आग उतनी नहीं भड़कती, लेकिन अगर वो दौड़ रहा है तो जो नॉर्मल आग है वो और भड़केगी, मतलब उसको जलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, अगर किसी बंदे को आग लग जाती है तो सबसे पहले काम है आपको स्टॉप, इसमें है फॉर्मूला SDR, सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप। अगर आप आग के हवाले हो गए, आग लग गई है, तो सबसे पहला काम है कि आपको वहीं रुक जाना है। दूसरा काम है ड्रॉप, मतलब जमीन पे क्या करना है, लेट जाना है, गिर जाना है। और तीसरा क्या है, रोल, अपने चेहरे को कवर करना है। चेहरे को कवर किस लिए करना है, क्योंकि फेस से ही आपकी पहचान है, ठीक है। हमारे जो इनहेल करने के ऑर्गन्स हैं, श्वसन नली है, अगर आप बाहर से जलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर श्वसन नली जल जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपको क्या करना है, फेस को कवर करके पूरा रोल करना है, जमीन के ऊपर पूरा रोल करना है, जिससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी पे आग लगी होगी वो बुझ जाएगी। कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट देखते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों का हो, कोई परिवार में होता है, तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले रोक देना है, नीचे लिटा देना है और उसको रोल करवाना है। या आपके पास में कोई ऐसा मतलब बड़ा कपड़ा हो, कंबल हो, उसके ऊपर डाल देना है। किसी भी तरीके से जो तीन चीजें बताई, तीन चीजों में से एक चीज उसकी कट कर देनी है। अगर आप कंबल डाल रहे हो, उसके ऊपर गद्दा डाल रहे हो, तो क्या होगा, जो उसको ऑक्सीजन मिल रही है आग की, वो ऑक्सीजन क्या होगी, बंद हो जाएगी और आग वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। इस साइंस बैकग्राउंड के कितने हैं, साइंस बैकग्राउंड है लगभग 10-15 लोग हैं, वेरी गुड। CPR का भी सुना है नाम आपने, सुना है CPR, क्या काम आता है CPR? बातचीत नहीं, CPR का मतलब क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेंस, मतलब CPR एक ऐसी विधि है। देखिए, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, दो तरीके होते हैं, एक होता है मेडिकल केस और एक होता है ट्रॉमा केस। मेडिकल केस और ट्रॉमा केस में क्या फर्क है, मेडिकल केस का मतलब होता है किसी को हार्ट अटैक आया हो, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हो, किसी को डायबिटीज हो, ये सारे केस क्या होते हैं, मेडिकल केस होते हैं, ठीक है। ट्रॉमा केस क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट केस हुआ हो, कोई बाइक से एक्सीडेंट हुआ हो, किसी का सर फट गया, किसी छत पे गिर के छत से गिर गया, किसी भी तरीके से उसको हादसा का शिकार हुआ हो, वो होता है ट्रॉमा। और मेडिकल क्या होता है, कोई बीमारी हो गई उसको, बड़ी बीमारी हो गई, वो होते हैं मेडिकल केस। तो जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो हम कैसे याद चेक करते हैं, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, जैसे आप किसी की इंसान के पास में गए, आपको कैसे पता चलेगा ये बंदा मर चुका, हार्ट बीट चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे, ठीक है, पल्स रेट उसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हार्ट बीट है कि नहीं है, इसी से चेक करके हम बता देते कि ये मर चुका। लेकिन किसी भी इंसान की हार्ट बीट बंद होने के बाद में, पल्स रेट बंद होने के बाद में 4 से 6 मिनट तक उसकी डेथ नहीं होती। डेथ दो तरीके की होती है, एक होती है क्लिनिकल डेथ, एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ क्या होती है, अभी जैसे किसी के भी हार्ट ने, जैसे मेरे हार्ट ने अभी पंपिंग करना बंद कर दिया। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, जो हमारा ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, यही काम है हार्ट का। और जब इंसान की मृत्यु कब मानी जाती है, जब उसका हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे।
मतलब हमारी बॉडी को ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन से लेके मिनरल से लेके सब कुछ हमारी बॉडी में ब्लड की सहायता से हमारी सेल तक पहुंचता है। अगर हार्ट ने पंपिंग करना बंद कर दिया तो मतलब जो हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए था वो ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। किसी इंसान का हार्ट बंद होने के बाद में 4 से 6 मिनट तक उसको रिकवर किया जा सकता है, दोबारा से उसको जिंदा किया जा सकता है CPR की सहायता से। बहुत से कम लोग जानते हैं कि भाई ठीक है, इसकी हार्ट बीट बंद हो गई, हार्ट अटैक आया अचानक। लगभग पूरे कंट्री में 2/3 केस हार्ट अटैक के, 2/3 केस बगैर CPR के नॉलेज के। हम क्या करते हैं जनरली, बस उठाया, इंतजार करते हैं कि हार्ट अटैक आया है, इसको अब इंतजार करो इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की। जबकि उसको इमीडिएट किसी ने CPR दिया होता, 4 से 6 मिनट के अंदर अगर उसको इमीडिएट किसी ने CPR दिया होता तो उसकी जान बच जाती। 4 से 6 मिनट तक हमारा हार्ट बंद होने के बाद में क्या होता है कि जो हमारी जो सेल्स होती है ब्रेन की सेल्स, 6 मिनट के बाद में ब्रेन की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। लेकिन हार्ट पंपिंग नहीं कर रहा तो उसके तक ब्लड पहुंच नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या होंगी, ब्रेन की सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगी। जब ब्रेन की सेल्स डैमेज होना शुरू हो गई तो उसे बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ। अब उसे रिकवर नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। डेथ केवल एक ही नहीं होती है, डेथ 2 तरीके की होती है, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ होने के बाद में किसी भी मनुष्य को दोबारा से उसको जिंदा किया जा सकता है एक इफेक्टिव CPR और फर्स्ट एड देके, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ होने के बाद में उसे रिकवर नहीं करवाया जा सकता। अगर आप किसी बंदे में हार्ट अटैक आया, आप वहीं पे हैं, आपको बताएंगे CPR कैसे देते हैं, अगर आपने इफेक्टिव CPR दिया तो उसकी जान बच सकती है। अब CPR में क्या होता है, CPR में क्या करते हैं हम, जो उसका हार्ट नेचुरली पंपिंग कर रहा था अभी बंद हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, उसको कंप्रेस करके उसको क्या करते हैं, हार्ट को पंपिंग करवाते हैं। हार्ट हमारा किस वजह से चलता है, ब्रेन से हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। कोई भी चीज़ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई, हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए, किसी भी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अभी ये पंखा है, इस पंखे को जब तक लाइट नहीं देंगे नहीं चलेगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जरूरत होती है, जिसकी वजह से सारे फंक्शन होते हैं। अचानक किसी को एक दूसरे को टच करते हैं तो छोटा सा झटका टाइप का महसूस किया है कभी? कई बार हम छोटे थे तब भी प्रैक्टिकल करते थे, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ गए, पीछे से एक बंदा मार रहा है, कपड़े से मारता जा रहा है मारता जा रहा है, थोड़ी देर बाद में दूसरे को टच करोगे एक हल्का सा झटका महसूस होगा, होता है ना। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है। हेलो, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं ना कहीं करंट है, इसीलिए झटका लगता है। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो ब्रेन क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। पल्स को चेक करेंगे, पल्स का मतलब जिसे बोलते हैं आपको फील होगा, जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे आपका एक पल्स इस तरीके से पंपिंग करती हुई दिखेगी, मतलब आपका हार्ट जिंदा है। अगर आपकी पल्स चल रही है मतलब हार्ट आपका क्या है, पंपिंग कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉडी का सर्कुलेशन चेक करना है कि बॉडी में ब्लड जा रहा है या नहीं। अगर सर्कुलेशन चेक किया और आपको पल्स नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ, पल्स नहीं मिली तो क्या हुआ, हाँ भाई, पल्स नहीं मिली तो सीधा से सिंपल सा है कि उसका हार्ट ने पंपिंग करना बंद कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने चेक किया सर्कुलेशन बंद, तो आपने क्या करना है, उसको CPR देना शुरू कर देना है। ये देखिए पल्स चेक करने के तरीके, आपको पल्स चेक करने के लिए 5 से 10 सेकंड तक चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हार्ट बहुत ही कम तरीके से पंप कर रहा होगा, आपको टाइम लग सकता है, तो आपको 5 से 6 सेकंड तक आपको उसकी पल्स को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पल्स को चेक करने के बाद में, वैसे डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए एक मैनिक्यून होता है, जहां हम किसी स्कूल में प्रोग्राम करने जाते हैं या किसी डेमोस्ट्रेशन देने जाते हैं
एक डमी रखते हैं मैनिक्विन, जहाँ पे उसको कंप्रेस करके सीपीआर दिया जाता है। आप लोग इसको घर पे किसी के ऊपर ट्राई मत कर लेना। कारण क्या होगा, जिंदा इंसान है वो मर जाएगा भाई, उसका हार्ट अपने आप धड़क रहा है और तुम उसको जबरदस्ती दबाने में लगे हो तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो फट जाएगा, हो जाएगा काम। तो किसी जिंदा इंसान के ऊपर सीपीआर अप्लाई मत कर देना। बोला जी आज नई चीज सीख के आया हूँ, आए थे एक साहब आए थे वहां पे सीपीआर देना सिखाया है, छोटे बच्चे को बोल दिया, बोला लेट जा देख अभी मैं सीपीआर देता हूँ, दबाना शुरू कर दिया उसका हार्ट, मार दोगे उसको। किसी भी लाइव इंसान के ऊपर, जिंदा इंसान के ऊपर सीपीआर का प्रैक्टिस नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है। देखिए सीपीआर का काम क्या, सीपीआर किस लिए दिया जाता है, हार्ट को नेचुरली तरीके से धड़कना बंद कर दिया उसने, पंपिंग करना बंद कर दिया, आपको क्या करना है उसको जबरदस्ती पंपिंग करवाना है। आप जैसे उसको बिल्कुल प्लेन सरफेस पे लिटा देना है, किसी को हार्ट अटैक आया है उसके आपने चेक किया उसका सर्कुलेशन नहीं है, हार्ट बंद हो गया, अभी आपके पास में कितना टाइम है, कितना टाइम है, 4 से 6 मिनट हैं, आप उसको बचा सकते हैं। या तो बैठ के उसके बगल में सारे रोने लग जाओ, यही होगा ना, बोला गया ये तो रोने लग जाओ तो बस गया ही। फिर अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे आप उसको रिकवरी करवा सकते हैं 4 से 5-6 मिनट के अंदर। अगर आपको इफेक्टिव सीपीआर देखे होंगे, आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत वीडियो, एक छोटे से बच्चे को एक बहुत वायरल हुआ था, एक जो नर्स थी उसको इफेक्टिव सीपीआर देके उसकी जान बचा रही थी। तो सीपीआर से जान बचाई जा सकती है। आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल प्लेन सरफेस पे लिटा देना है, उसके लेफ्ट साइड में बैठ जाना है, ठीक है, कौन सी साइड में बैठ जाना है, लेफ्ट साइड में, पोजीशन बैठने की देख रहे हो, घुटनों के बल पे बैठ जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हार्ट की लोकेशन पता करना। कितने लोगों को पता है कि हार्ट की लोकेशन किधर है, वेरी गुड, हमें ये पता है कि हार्ट हमारी लेफ्ट साइड में है, लेकिन लेफ्ट साइड यहां से लेके यहां तक बहुत दूर है। सब इफेक्टिव सीपीआर किसे बोलेंगे, आपको एग्जैक्ट हार्ट की लोकेशन पता होनी चाहिए। आप उसको हार्ट सरफेस पर लिटा दिए, हार्ट को चेक करने का कि मेरा हार्ट कहाँ पे है। हमारे जो पूरे दोनों रिब्स का जो जॉइंट है, दोनों रिब्स के जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टर्नम, साइंस बैकग्राउंड वाले समझ रहे होंगे क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नम, जो दोनों जॉइंट है उसको पकड़ते हुए आ जाओ, सबसे लास्ट में एक पॉइंट मिलेगा आपको जहां पे आपका ये जॉइंट खत्म होगा, चेक करो जहां पे ये जॉइंट खत्म हो रहा है, आ रहा है एक कोना, इसे बोलते हैं जायफाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जायफाइड प्रोसेस। यहां से आपने क्या लेना है, इस पॉइंट से आपने क्या लेना है, अपने दो उंगली लेनी है, दो उंगली उसके उस लास्ट पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है, उसके बाद में जो सेंटर है उससे एक उंगल इस साइड में, यहां पे एग्जैक्ट आपकी क्या होगी, हार्ट की लोकेशन होगी। फील करते रहना बाद में लेटे लेटे, यहां तक जाना है जायफाइड प्रोसेस तक, यहां तक दो उंगल रखना, उसके बाद में यहां पे रखना, एग्जैक्ट हार्ट की लोकेशन आपको मिलेगी। हार्ट की साइज क्या होती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया किसी ने, जो आपकी रिस्ट होती है मतलब आपकी जो हाथ की मुट्ठी होती है उस साइज का हाथ हार्ट होता है किसी भी इंसान का, ठीक है, मतलब जो मेरा हार्ट है मेरे हार्ट की साइज क्या होगी ये, ठीक है। तो आप इस साइड में उसके हार्ट की लोकेशन पता करना है। लोकेशन पता करने के बाद में देखिए जिस तरीके से इसने दोनों हाथों को ग्रिप कर रखा है, इस तरीके से दोनों हाथों को ग्रिप करना है और उस हार्ट की लोकेशन को क्या करना है आपको, ट्रैक करना है। उसके बाद में 30 टाइम, कितने टाइम, 30 टाइम उसको क्या करना है आपको, कंप्रेस करना है, क्या करना है, दबाना है, 30 बार आपने दबाया, उसके बाद में क्या करना है। अब भाई आपने हार्ट को तो पंपिंग कर दिया, मतलब उसके अंदर जो ब्लड है, पंप करने का मतलब क्या है, हार्ट के अंदर एक होलो ऑर्गन है हार्ट, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, आपने जैसे उसको दबाया, एक पोलोथीन में अगर आप पानी भर लोगे उसको दबाओगे तो क्या होगा, जहां से छेद होगा उस साइड से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने हार्ट को कंप्रेस किया तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, शुरू हो जाएगा। आपने दबाया फिर छोड़ा, जैसे आपने दबाया ब्लड अपने ऑर्गन तक जाएगा, जैसे छोड़ोगे वापस उसके आपके हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो 30 टाइम आपको इस तरीके से कंप्रेस करना है। अब हमारी सेल्स को जिंदा रहने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल्स तक जाता है,
तो जब तक आप उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माउथ टू माउथ, ठीक है, माउथ टू माउथ क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं, मतलब मुंह से उसके मुंह को क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। अब कितने लोग हैं, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यही ले रहे हैं। जब इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वापस सांस छोड़ रहे हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यही पढ़ा है ना अभी तक। अरे हाँ ना तो बोलो, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल अंदर से आत्मा मरसी जा रखी है तुम्हारी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, कंप्लीटली आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते। एक इंसान जब सांस लेता है तो एनवायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन है फिलहाल, कितनी परसेंट ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में, 21%, 21% ऑक्सीजन है। जब आप सांस लेते हैं तो आप कितनी परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, 21%, कितने परसेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैंने एक बार सांस लिया तो मैंने 21% ऑक्सीजन अपने अंदर ले ली। अब मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, एक ह्यूमन बॉडी को 5% ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी परसेंट, अब मैंने सांस लिया 21% इनहेल कर ली, मैंने 5% मेरी बॉडी ने कंज्यूम कर दिया और बाकी बची हुई 16% हम वापस एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं, साथ में उसके कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी चीजें हैं वो भी साथ एयर में चली जाती है। तो कंप्लीटली ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रही है, तो 16% आप वापस क्या करते हो, एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, जब हम सांस वापस छोड़ते हैं। अब हम उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जो आप ऑक्सीजन वापस छोड़ रहे हो उसमें कितनी परसेंट है ऑक्सीजन, कितनी परसेंट है, 16, और उसकी बॉडी को भी कितनी परसेंट की जरूरत है, 5, चल जाएगा ना काम, चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये लॉजिक बताया हूं कि मैं माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने से क्या फायदा होगा, हमारे मुंह से ऑक्सीजन कहां से पैदा हो रही है वो चीज बताने के लिए आपको बताया। तो 30 times आपको क्या करना है, उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है 30 times जल्दी, एक एक सेकंड के अंदर, आपका एक मिनट के अंदर 100 से 120 की स्पीड होनी चाहिए, मतलब एक मिनट में आप 100 times उसको कंप्रेस कर दो, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, मतलब आपको 30 times उसको कंप्रेस करना है, उसके बाद में 2 times उसको सांस भर के उसको सांस देनी है। सांस देते टाइम आप जब उसके माउथ टू माउथ, हाँ, सांस देने से पहले आपको क्या चीज है, माउथ बैरियर लगा लेना है। माउथ बैरियर क्या होगा, एक हमारे पास में तो फर्स्ट एड होता है, हमारे पास में CPR मास्क भी होता है और मास्क भी होते हैं, लेकिन आपके पास में कुछ और ना मिले तो कम से कम अपनी हैंकी इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, अपनी रुमाल उसके मुंह पे रख लेना। कारण क्या है कि हो सकता है उसको कोई गंभीर बीमारी हो, उसकी बॉडी फ्लूइड कुछ निकल रहा हो, मुंह से कुछ निकल रहा हो, आप उससे डायरेक्ट माउथ टू माउथ इंटेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, उसके टच से हो सकता है आपको भी इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए आपको उसके मुंह पे क्या डाल देना है, रुमाल डाल देना है, उसके बाद उसको 2 times लंबी सांस भर के उसके अंदर छोड़नी है। सांस उसको देते टाइम पे उसके नाक को क्या करेंगे, बंद करेंगे, बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरे बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुंह से दोगे नाक से बाहर निकल जाएगा, इसलिए उसके मुंह को नाक को क्या करना है, बंद कर देना है। फिर आप दोबारा जब सांस भरो जब तक उसके नाक को वापस छोड़ देना है, फिर दोबारा सांस भर के वापस इस तरीके से नाक बंद करके उसको क्या देना है, 3 to 5 seconds का एक पफ देना है, एयर पफ, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको क्या दे रहे हो, ऑक्सीजन। ये सर्कल, ये इस एक सर्कल को बोलेंगे, एक सर्किल बोलेंगे CPR। इस तरीके से आपको तब तक उसको CPR देते रहना है जब तक उसकी पल्स ना चल जाए। 5 sets CPR देने के बाद, 5 times मतलब 1 time 30, इस तरीके से 5 sets देने के बाद में आपको क्या करना है, उसकी पल्स को दोबारा से चेक करना है कि हो सकता है उसकी पल्स जनरेट हो गई है, दोबारा से उसकी सांस चलने लग गई हो। नहीं चलेंगी तब तक आप उसको CPR दे दो जब तक कि आप उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा दो। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसको एडवांस केयर मिल जाता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, हार्ट बंद हो जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट को दोबारा से रिस्टार्ट बोल सकते हो उसको किया जाता है। देखा है कई पिक्चरों में वो दो रखते हैं इस तरीके से प्रेस टाइप का, वो लास्ट में जैसे
वो बता डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर कि ये डेथ कर गया, उसके हार्ट को बिल्कुल उसको टच कराया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, उसको झटका लगता है, तो मतलब वो क्या किया जाता है, हार्ट को एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है कि दोबारा से पंपिंग शुरू कर दे वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचे तब तक आप उसको क्या देते रहेंगे, CPR देते रहेंगे। ये तरीका है CPR का, भगवान करे कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन जरूरत पड़े तो ट्राई जरूर करना, बैठ के रोना मत बगल में कि ये क्या हो गया। अगर आपको लगा कि उसकी पल्स नहीं मिल रही है, उसके हार्ट बीट नहीं है, तो आप जरूर CPR शुरू कर देना उसको। तो जो हम खाते हैं वो अलग पाइप के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है, जो हम एयर ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अलग पाइप है विंड पाइप, उसकी सहायता से ऑक्सीजन हमारे कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। अभी कोई ऐसा बंदा है जो खाते हुए सांस ले सकता है, अगर आप निगल रहे हो कुछ चीज तो आपकी आप सांस लेना बंद कर देते हो, करते हो ना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, मुंह का माल थोड़ा सा अंदर निगलो, सांस बंद करनी ही पड़ेगी। अगर आप खाना खा रहे हो तो भी निगलते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, सांस को रोकना पड़ता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही होंगी कि कुछ आप निगल भी रहे हो और सांस भी ले रहे हो। अगर ऐसा होगा, हमारे बॉडी में क्या होता है, एक ऑर्गन होता है इपिग्लोटिस, क्या होता है इपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि गले के अंदर फूड पाइप, जब खाना आप इंटेक कर रहे हो अंदर, तो वो क्या करता है, जो हमारा विंड पाइप है, जो सांस का पाइप है, उसको बंद कर देता है, ताकि उसके अंदर खाने का टुकड़ा या पानी आपके सांस की नली में ना जाए। लेकिन कई बार वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, बहुत जल्दबाजी में आप पानी पी रहे हो, लेट के हो सकता है आप पानी पी रहे हो, जैसे आप पानी पियोगे तो कहीं ना कहीं इपिग्लोटिस का सिस्टम गड़बड़ हुआ, उसने पाइप को बंद नहीं किया और पानी आपने पी लिया। कई बार पानी पीते पीते खांसी आती है ना, आती है ना, अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको, धांस, धांस चलेगी, लेकिन धांस है क्या बीमारी वो पता नहीं, लेकिन धांस चलेगी, धांस वही है, मतलब आपका जो इपिग्लोटिस है उसने आपका विंड पाइप को बंद नहीं किया, उससे पहले आपने पानी पी लिया या कुछ खा लिया, तो वो विंड पाइप में जैसे जाएगा, नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा बना रखा है कि जो चीज जरूरत की है वही रखती है, फालतू की चीज को बाहर निकाल देती है, तो अपने आप आपको क्या आएगी, खांसी आना शुरू होगी, जो पानी गया है आपके मुंह में वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि आपको बैठ के पानी पीना चाहिए, तसल्ली से पानी पीना चाहिए, खाने खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, कारण यही है, ठीक है। तो आपका अगर गले में कुछ फंस गया तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होती है पार्शली चोकिंग और एक होता है कंप्लीट चोक। पार्शली चोकिंग होगा उसमें क्या होगा, बातचीत नहीं, सुन लो, पार्शली चोकिंग होगी उसमें क्या होगा कि गले की जो पाइप है आपकी विंड पाइप है वो बिल्कुल बंद नहीं होगी, हल्की उसके अंदर क्या जा रही होगी, सांस ले पा रहे होंगे आप थोड़ा थोड़ा, आपका चोक है, विंड पाइप चोक है, लेकिन पूरी तरीके से चोक नहीं हुआ है। और अगर पूरी तरीके से चोक होगा तो मतलब आपका बिल्कुल विंड पाइप क्लोज हो गया, चेहरा लाल शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में बंदा लेट जाएगा, धीरे धीरे काम खत्म। तो उस काम खत्म होने से पहले उसको कैसे बचाया जा सके, वो तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले एक यूनिवर्सल साइन होता है चोकिंग का, यूनिवर्सल साइन क्या होता है, वो अपने गले को पकड़ के रखा होगा, क्या होगा, गले को, जिसका चोकिंग हो जाएगा मतलब वो गले को पकड़ के रखा होगा। अगर चोकिंग हो गया, कंप्लीट चोकिंग हो गया, तो आपको क्या करना है, ये जैसे गला पकड़ने दोनों हाथ से ऐसे, हाँ, झुक जा थोड़ा सा झुक जा, ये इस तरीके से खड़ा है, मतलब इसका गले में कुछ फंसा हुआ है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना नॉर्मल तरीके से ये खड़ा नहीं होगा, छटपटा रहा होगा, बढ़िया से छटपटा रहा होगा, ठीक है। तो आपका पार्शली चोकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा झुक जा, इसके पीठ पे क्या करना है, आपने जोर जोर से इस पे 3 बार मारना है आपको, अगर नहीं निकलता है तो दूसरा तरीका क्या है, पकड़ के रख लो इसका जो इसने ये बड़े मतलब एक्चुअल में इसने इतने टाइट से पकड़ रखा हो, इसका गला फंसा हुआ है बुरी तरीके से, तो आपको क्या करना है, पहले इसका गला छुड़वाना है, यहाँ से दोनों हाथ से क्या करना है, इसके गले को छुड़वाना है, उसके बाद इस तरीके से इसको पकड़ लेना है, ठीक है। अभी आपको जैसे बताया था मैंने जायफाइड प्रोसेस बताया था ना, जायफाइड प्रोसेस,
आपको इसके जायफाइड प्रोसेस पे जाना है। जैसे जायफाइड प्रोसेस को इंटेक्ट किया, वहां से दो उंगल हार्ट के लिए क्या करते हैं, दो उंगल हम ऊपर की साइड में लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम हार्ट के नीचे जायफाइड प्रोसेस के नीचे दो उंगल नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक ऑर्गन होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है कि हमारा जो लंग्स केविटी और एब्डोमिनल केविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। मतलब पेट के और फेफड़ों के बीच में होता है, दोनों को क्या करता है, अलग करता है। जब हम सांस लेते हैं जोर से तो डायफ्राम सिकुड़ता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फूलता है। ठीक है, उसका अपोजिट काम करता है लंग्स से। तो हमें क्या करना है, इसके डायफ्राम को दबाना है। अगर डायफ्राम को प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसके अंदर जो एयर भरी हुई है आपके फेफड़ों में, डायफ्राम में, वो क्या करेगी, एयर आपके विंड पाइप में प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर फंसा हुआ है बाहर निकल जाएगा। तरीका देखिए, आपने डायफ्राम लोकेट कर लिया, इसकी इस तरीके से उसको क्या करना है, एक मुट्ठी बंद करके रखना है और इस तरीके से कवर करना। अब क्या करना है, इसको जोर से अंदर की साइड में दबाना है और उसके बाद में जो मुट्ठी लगा रखी कर दूंगा, इसने जो मार खा रखा है सारा। ठीक है, क्रिएट होगा, बैठ जा, क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जो उसके अंदर फंसा हुआ उसके गले के अंदर, वो सारा का सारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर इतना करने, हाँ, इसे बोलते हैं हिमलिच मैन्यूवर, एक प्रोसीजर है, हिमलिच मैन्यूवर नाम है इसका। आपको कंप्रेस करना है और उसको ऊपर के साइड में दबाना है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हैवी हो, बहुत ज़्यादा मोटा हो, ठीक है, उसका तो पता ही नहीं चलेगा, वो क्या बोलते हैं, डायफ्राम ही नहीं मिलेगा उसका। या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको भी आप ये तरीका नहीं अप्लाई कर सकते। आपने देखा कि जब बंदा होश में है तब जाके आप, मैंने बताया डेमो वो करना है। अगर बंदा होश में नहीं है, बेहोश हो गया है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर बैठ जाना है और डायफ्राम लोकेशन वही है डायफ्राम की, आपके जायफाइड प्रोसेस से 2 इंच नीचे डायफ्राम है, जायफाइड प्रोसेस से 2 इंच ऊपर आपका क्या है, हार्ट। आपको क्या करना है, डायफ्राम से जायफाइड प्रोसेस से नीचे 2 इंच लेना है और जिस तरीके से फर्स्ट पिक्चर में दिखा रहा है, दिख रहा है, उस तरीके से वो उसको क्या करना है, दबाना है। अगर बेहोश हो, अनकॉन्शियस हो, तो उस तरीके से दबाना है, गले को देखना है उसके अंदर कुछ फंसा है तो हो सकता है उल्टी करने से उसका निकल जाए, नहीं निकले तो आप उसका मुंह को खोल के एक उंगल डाल के भी आप उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा उसको गले में घाव होगा लेकिन उसकी जान बच जाएगी। सबसे ज्यादा डेथ होती है एक्सेस ब्लड लॉस होने की वजह से। एक ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, अप्रोक्स 5 लीटर बोलते हैं, लेकिन एक मेल, एडल्ट मेल में 5.5 लीटर होता है, एडल्ट फीमेल में 4.5 लीटर ब्लड होता है। अगर वो ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, तो लॉजिक वही है, ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सेल्स डाउन हो जाएगी, सेल डेथ करना शुरू हो जाएगी, फाइनली क्या होगी, जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाएगी। ब्लड से डेथ किस तरीके से, किस वजह से होती है, एक्सेस ब्लड लॉस हो गया, सर्कुलेशन में ब्लड मिला ही नहीं उसको, हमारे बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सेल्स मरना शुरू हो जाएगी, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब किसी को कट लग गया, खून रुक नहीं रहे, खून को किस तरीके से रोके जाए, ब्लड वेसल्स कितनी होती है अपनी बॉडी में, कितनी ब्लड वेसल्स होती है, साइंस वाले 5 बता सकते हो, 7 बता सकते हो, लेकिन मैं 2 ही बताऊंगा आपको। मेन 2 ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। वेन्स का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसे अशुद्ध रक्त बोलते हो, वो कैरी करती है, और आर्टरीज क्या करती है, फ्रेश रक्त, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारी बॉडी तक पहुंचाती है। मतलब हमारा पानी, जो ब्लड सप्लाई का मेन पाइप कौन सी है, आर्टरीज, और वेन्स क्या होती है, जो खराब खून है उसको वापस हमारे हार्ट तक लेके आना, ये काम होता है वेन्स का। तो कभी भी किसी इंसान की अगर वेन्स कट जाती है, कट मतलब नुकसान किस में ज्यादा होगा, अगर किसी की वेन्स कट गई तो ब्लड धीरे धीरे निकलता है, ठीक है, और ब्लड का रंग कैसा होगा, ब्लैक, डार्क कलर का खून होगा। अगर डार्क कलर का खून हो है, तो मतलब आप समझ जाओ इसकी वेन्स कटी है,
वो इतनी खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा नुकसान नहीं होगा उससे। लेकिन अगर किसी इंसान की आर्टरीज कटती है, आर्टरीज क्या है, अगर कट लगेगा तो उस खून में से क्या होगा कि पिचकारी टाइप निकलेगी, ब्लड क्या होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होता है उसके अंदर ब्लड का। तो अगर पिचकारी टाइप निकल रहा है ब्लड, इसका मतलब वो हमारे आर्टरीज कटी है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो विद इन 30 मिनट उस बंदे की डेथ हो जाएगी, अगर आपने आर्टरीज कटने के बाद में उसकी ब्लड को नहीं रोका तो। तो वेंस को बता दिया, वेंस से धीरे धीरे ब्लड निकलता है, डार्क कलर का खून होगा, और आर्टरीज में क्या होगा, स्पीड से खून निकलेगा, और उसका जो कलर होगा ब्लड का लाइट कलर होगा, थोड़ा सा चमकीला सा ब्लड निकलेगा उससे। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा चमकीला ब्लड होगा और मतलब लाइट रेड होगा, ठीक है। अब इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रेशर, कौन सा है, डायरेक्ट प्रेशर, ये सब लोग जानते हैं, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। किसी को भी चोट लगती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं ना, अरे दबाते हैं ना। किसी दूसरे को लग जाती है तो भी तुरंत हाथ रख देते हैं, ये हम क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर। मतलब जहां चोट लगी है उस प्रेशर, उस जगह को आप दबा लो तो वहां से ब्लड निकलना थोड़ा कम हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका है एलिवेशन, मतलब उस हाथ को या उस चीज को क्या करना है, एलिवेशन करना है। एलिवेशन क्यों करते हैं, क्यों करेंगे एलिवेशन, मेरा जो ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है, अभी मेरा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है, अगर मैं हाथ को लटका के रखूंगा तो मतलब ब्लड स्पीड से ज्यादा जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ऊपर कर लूंगा तो हाथ में क्या होगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा। आप ऐसे 10 मिनट रह के देखना एक बार, पहले पनिशमेंट देते थे ना, हाथ खड़े कर ले बोला, कंधा में तकलीफ दर्द होना शुरू हो जाता था, झंझनाहट शुरू हो जाती थी। कारण क्या है कि ऑक्सीजन की जो ब्लड की सप्लाई है ऊपर तक क्या होती है, धीरे होती है, जिस स्पीड से ब्लड जाना चाहिए उस स्पीड से ब्लड नहीं जाता है। एलिवेशन देने से क्या होगा, जो ब्लड का प्रेशर है वो प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बजाय नीचे रखने से, नीचे रखने से ज्यादा ब्लड निकलेगा, थोड़ा सा ऊपर रखोगे एलिवेशन दे दोगे तो कम ब्लड निकलेगा। तीसरा है प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट कौन से होते हैं, जहां जहां हमारी पल्स है, जहां हम पल्स चेक करते हैं वो हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। किसी भी इंसान को जहां से जॉइंट होगा, जॉइंट होगा वहां पे आपकी पल्स मिलेगी, वहां से आपके प्रेशर पॉइंट होगा, उस प्रेशर पॉइंट को मतलब जहां से पाइप जा रहा है ब्लड का वहीं से उसको दबा दो। यहां से दबाओगे क्योंकि मांस के नीचे है, आपको मिलेगी नहीं, आपको पल्स नहीं मिलेगी, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या है कि उसका जो प्रेशर पॉइंट है, उसकी कोहनी है, वहां से उसको क्या कर देना है, सप्लाई को ही दबा दोगे तो ब्लड आगे जाना शुरू होगा क्या, नहीं होगा। आप उस प्रेशर पॉइंट को दबा दो, इससे क्या होगा, उसको ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद में भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है टॉर्निकेट, वो हम बताते भी नहीं है। टॉर्निकेट एक ऐसी विधि है जिसमें ब्लड 100% रुक जाएगा, लेकिन जहां से आप उसको टॉर्निकेट करेंगे वहां से आगे का जो बॉडी का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। टॉर्निकेट में क्या होता है कि एक रुमाल लिया, उसको बढ़िया से बांध लिया, या रस्सी ली, रस्सी को टाइट यहां से बांध दिया, अगर ब्लड ज्यादा ही निकल रहा है, रुक नहीं रहा, ये तीनों ऑप्शन आपने चेक कर लिए, उसके बाद में भी ब्लड नहीं रुक रहा है, अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो उसकी जान को खतरा है, किसी भी कंडीशन में उसकी जान बचानी है तो टॉर्निकेट करना पड़ेगा। मतलब उसको बिल्कुल यहां से आप टाइट बांध देंगे जिससे उसके आगे ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। जहां ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी वहां पे क्या होगा, आगे का हिस्सा क्या होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो वहां की जो सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाएंगी, हो सकता है उस आगे के हिस्से को काटना पड़े डॉक्टर को, लेकिन ये है उसकी जान बच जाएगी। तो टॉर्निकेट वो है जब आपको लगता है कि अब इसका ब्लड रुक ही नहीं रहा, तो आप उस बॉडी जहां से कट लगा है उससे 2 या 3 इंच पहले आपको क्या करना है, एक रस्सी लेनी है और मजबूत से उसको खींच के क्या कर देना है, बांध देना है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ये हेड इंजरी के लिए है। स्प्लिंटिंग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी विक्टिम को गलत तरीके से उठाने से उसकी इंजरी बढ़ जाती है। जनरली हम क्या करते हैं, एक बंदा बाहर एक्सीडेंट हुआ, 2 बंदे गए उसके हाथ पकड़ लिए, 2 बंदे गए उसके टांग पकड़ ली और उठा के भाई साहब को क्या पटक दिया गाड़ी में। अब उसके टांग पे ही चोट लगी है बेचारे की, टांग पकड़ के उसको उठा रहे हो आप,
उसकी इंजरी बहुत कम थी, समझ रहे हो, जब एक्सीडेंट हुआ उसकी इंजरी बहुत कम थी, लेकिन आपके गलत तरीके से उठाने से उसकी इंजरी क्या हो गई, डबल हो गई। उसकी हड्डी क्या थी, हेयरलाइन फ्रैक्चर था, लेकिन आपने क्या किया, दोनों टांग और दोनों हाथ पकड़ के उठाए, जो हेयरलाइन फ्रैक्चर था उसको कंप्लीट फ्रैक्चर कर दिया, उठा के उसकी टांग और तोड़ दी। मतलब गलत तरीके से विक्टिम को हैंडलिंग करने से भी इंजरी बढ़ जाती है। नॉर्मल अगर किसी भी बच्चे को आप या कहीं पे भी किसी को भी चोट लगती है, तो फ्रैक्चर का अगर आपको अंदेशा होता है, मैं गिर गया, मेरे हाथ में सोइलिंग आ गई, मेरे को लगता है कि ये मेरे को फ्रैक्चर हो सकता है, तो हम उसकी केयर करने के बजाय लापरवाही की वजह से उसको उसी तरीके से घूमते रहते हैं, तो वो जो फ्रैक्चर है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपको स्प्लिंटिंग करना बता देंगे नेचुरल तरीके से, अपने लोकल रिसोर्स से स्प्लिंटिंग कैसे करेंगे, ये दे दे बुक, दे दे ये बुक तो मिल जाती है ना स्कूल में, नॉर्मली सबके पास रहती होगी, ठीक है। इसको क्या करना है, जैसे हाथ पे लगी है चोट, यहाँ पे हाथ पे लगी है मेरे, यहाँ पे हाथ पे, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली इस हाथ को यहाँ पे रख लेना है और इस दोनों इनको क्या करना है, बांध देना है, क्या करना है, बांध देना है, और एक रुमाल लेना है उसको गले में बांध के इस हाथ को ऐसे कैसे यहाँ पे रोक देना है। अगर एक तो मैं डॉक्टर के पास इस हाथ को ऐसे लेके जाऊं, जहां चोट लगी है वहीं पे वैसे के वैसे चोट रहेगी, आगे बढ़ने का डर नहीं होगा, दो जगह से इसको बांधना है, तीसरा गले में लटका लेना है, और एक हाथ को मैं इस तरीके से लेके जा रहा हूँ जो नॉर्मल है, इसमें जो मेरा फ्रैक्चर था जो कि नॉर्मल फ्रैक्चर था, लेकिन मैं गलत तरीके से अपनी बॉडी को केयर कर रहा हूँ, उसकी वजह से वो फ्रैक्चर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये नेचुरल स्प्लिंटिंग है, आपको गत्ता मिल गया कोई वो लगा लिया, आपको बुक मिल गई वो लगा लिया, कुछ नहीं मिला तो तकिया मिल गया तकिया लगा लिया, ताकि आपका जो फ्रैक्चर जहाँ होने की संभावना है उसको सेव कर सके। आप YouTube पे जरूर जाके देखना, इसमें इंस्पेक्टर किशनलाल NDRF डालोगे तो चैनल आ जाएगा, एक बार दिखा देता हूं आपको। मैंने वीडियो डाल रखी है कुछ जो लाइफ सेविंग की, जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है किसी इमरजेंसी के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें कुछ डेमोस्ट्रेशन भी डाल रखे हैं, वॉल्यूम तो नहीं होगा ना, इसमें डेमोस्ट्रेशन भी, मैनिक्यून के साथ में डेमोस्ट्रेशन भी डाल रखे हैं, तो आपको वो चीजें, वॉइस भी है डेमोस्ट्रेशन भी है, तो आपको उसमें ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई करने की, हैं ज्यादातर लाइव कोई पढ़ा रहा है उससे मतलब नहीं है, ऑनलाइन जाके क्लास ले लेंगे, छोड़ इसकी यार, ऑनलाइन देख लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो वो एक लिंक है ऑनलाइन भी, तुम देख सकते हैं उस पर जाके, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट समय दिया, बहुत धन्यवाद।